जो आदमी खुद को पनिश करना सीख जाएगा उसको दुनिया में कोई दूसरा पनिश कर ही नहीं सकता, और जो खुद को पनिश नहीं करेगा यानी वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो दुनिया उसे पनिश करेगी। जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आम आदमी आम क्यों रह जाता है, वो लड़ना छोड़ देता है सर। कोई क्लर्क बन गया उसके जीवन की तमन्ना पूरी हो गई, बस खत्म, वही उसका खत्म हो गया, वही रुक गए। गॉड हैज गिवन मी द बिगेस्ट गिफ्ट, आई हैव गॉट एवरीथिंग, नाउ नथिंग टू डू। इतना महान कॉन्सेप्ट है ये सर, इतना महान तत्व है, फैक्टर है डिसिप्लिन। तो है बहुत बड़ी खतरनाक चीज जिससे मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, खाता हूं सर, मैं इसका निषेध नहीं करूंगा, मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, और वो है डिसिप्लिन। ये एक्स्ट्रा है सर, ये हर आदमी में नहीं है सर, ये एक्स्ट्रा है सर, ये हर आदमी में है। यानी हर 95% दुनिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, 95% इंडिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, 95 मान लो, 95% लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, सिर्फ प्रेशर में। बचपन में मां बाप का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, बड़े होने पर बॉस का प्रेशर, बीवी का प्रेशर। जो खुद से डिसिप्लिन हो गया ये एक्स्ट्रा है सर। आप पूछते ना एक्स्ट्रा क्या है, संघर्ष को एंजॉयमेंट बना लेना, एक्स्ट्रा है सर। जैसे एग्जाम्पल स्वामी करमवीर, यूट्यूब पे डालिए स्वामी करमवीर। 3 बजे उठना है सर। एक ऐसा आदमी इतिहास में महान बन गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एडॉल्फ हिटलर। अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना चाहता है यह आदमी, ये एक्स्ट्रा है सर। इसके बारे में कहा जाता है कि पूरे जीवन, लास्ट दिन जब इसने सुसाइड किया उस दिन भी पूरा जीवन इसने अपना डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ा। अगर ये 2 बजे सोया तो भी 3 बजे उठा। ऐसा हमसे हो जाता है कि यार रात देर में सोए थे, इसके साथ ये बात नहीं थी। ये मेरी एक कमी है सर, मेरी है सर, मैं मानूंगा सर, अभी मुझे इस पर काम करना है सर, कर ही रहा हूं सर, लेकिन बहुत बड़ी चीज है सर। गांधी जी का सम्मान मैं कई कारणों से करता हूं, उसमें कारण यह भी है कि वो अपनी भी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर है सर। ये जिसने अडॉप्ट कर लिया सेल्फ डिसिप्लिन, और इसका एक ही रास्ता है सर, डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ पनिशमेंट। मतलब अगर आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो तो आप खुद को पनिश करो सर। जो आदमी खुद को पनिश करना सीख जाएगा उसको दुनिया में कोई दूसरा पनिश कर ही नहीं सकता, और जो खुद को पनिश नहीं करेगा यानी वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो दुनिया उसे पनिश करेगी। जब हम तैयारी करते थे तो कोई उठने का, खाने का, जागने का कोई वक्त नहीं होता था, गलत था सर वो। लेकिन जब हम काम करने लगे, पढ़ाने लगे, दूसरों के संस्थाओं में पढ़ाने लगे, तो अब 8 बजे क्लास है तो 8:30 बजे ठंडक में सर, जिस ठंडक को हमने कभी बहाना बनाया कि यार आज बहुत ठंडक है, जिस ठंडक को हमने कभी बहाना बनाया कि यार आज बहुत ठंडक है, सुबह 7:30 बजे अकूत ठंडक में इंस्टीट्यूट पहुंचना होता था, बारिश में ठंडक में पहुंचना है सर, आप काम कर रहे हो। जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक लंबे समय तक नौकरी की सर, जो खुद को डिसिप्लिन रखते ना वो नौकर बन ही नहीं सकते सर। इतना महान कॉन्सेप्ट है ये सर, इतना महान तत्व है, फैक्टर है डिसिप्लिन। ये एक्स्ट्रा है सर, ये एक्स्ट्रा है। आप कहते हो ना एक्स्ट्रा क्या, मैंने क्या कहा अभी आपसे, मैंने कहा दुनिया में सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। तो एक्स्ट्रा क्या है सर? पहला एक्स्ट्रा, संघर्ष को मौज बना लेना, लड़ना तो है सर, उसमें रोना क्या, कृष्ण राम, राणा सांगा, राणा प्रताप, बाबर, महमूद गजनी, ये सब इस एग्जांपल में आते हैं सर। इन्होंने संघर्ष को अपना मौज बना लिया सर, लड़ेंगे। नेपोलियन,
ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार उसको लेटर लिखा चांसलर ने, मेटरनिक ने, कि यार बार बार मारते हो यार हम लोग हमको, ये बार बार क्यों हमला करते हो यार, युद्ध का नशा था उसे, नशा, लड़ाई करनी ही थी। उसने कहा तुम सब शाही घराने में पैदा हुए हो, तुम नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। मैं आम आदमी हूं, मैं जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह आम आदमियों के लिए एकदम सटीक बैठती है। आम आदमी आम क्यों रह जाता है? वो लड़ना छोड़ देता है सर। कोई क्लर्क बन गया, उसके जीवन की तमन्ना पूरी हो गई, बस खत्म, वही खत्म हो गया वो। कुछ लोग आईएएस बन गए, वही रुक गए। बहुत लोग आईएएस बन के रुक गए सर, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, वही रुक गए। गॉड हैज गिवन मी द बिगेस्ट गिफ्ट, आई हैव गॉट एवरीथिंग, नाउ नथिंग टू डू। शाही सेवा ही है, अचीवमेंट है सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है सर, पर है तो सरकारी नौकरी ही। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया, उससे ऊपर चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया, उससे ऊपर चले गए, महान हो गए। बड़े सारे सिविल सर्वेंट रहे होंगे, इंडियन सिविल सर्वेंट, किसी का नाम नहीं पता। एसपी मोदी का नाम आपको नहीं पता होगा, एमएस एनी का नहीं पता होगा, एमआर सरकार का, ये सब इंडियन सिविल सर्वेंट थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सबको पता है, कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।